हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से मैं लेके आया हूँ एक कमाल का स्ट्रैटेजी, और ये भी एक ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है, ठीक है, जिसे हम निफ्टी 50 में देखेंगे। और ये भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्ट्रैटेजी में होगा क्या, ठीक है। तो लाइन्स होंगे कुछ, जिसे हम लोग पिवट लाइन के भी नाम से जानते हैं, बट उसका सेटिंग क्या होगा और वो किस तरीके से उसको करना है वो मैं अभी बताऊँगा। बट जो भी लाइन्स होंगे उसमें हम लोग यहाँ पे रिवर्सल नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। रिवर्सल का मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे हम लोग रिवर्सल में नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन में पैटर्न में ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब भी इस लाइन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल रहने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग जो लास्ट मार्केट था 27 जून का, उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम इसमें इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम हम लोग को 1 मिनट का रखना है, क्योंकि हम लोग इसमें स्कैल्प करने वाले हैं, तो तुरंत ही एंट्री और तुरंत ही एग्जिट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लेके तुरंत ही एग्जिट करेंगे। तो टाइम फ्रेम 1 मिनट का रहने वाला है, ओके। और इस पिवट का सेटिंग क्या रहेगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना। यहाँ पर जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा हम अपना पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट हमें कहाँ पर मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है 946 में, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम तुरंत एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि डाउनसाइड ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। जस्ट उसी कैंडल की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखेंगे, उसी कैंडल या फिर उसके जस्ट पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर, है ना। अगर ज़्यादा बड़ा कैंडल है तो जस्ट उसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:2 का, ठीक है, 1:2, 1:3 भी हम लोग जा सकते हैं, ओके। और जो नेक्स्ट पिवट है उसको भी टारगेट कर सकते हैं, बट अगर वो ज़्यादा बड़ा है देन फिर उसको टारगेट नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पिवट का हम लोग टारगेट रखे हैं, और यहाँ पे अचीव हो गया है ना, देख सकते हैं यहाँ पे अचीव हो गया है, ओके। तो इसके बाद देखते हैं एंट्री हम कहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हैं इधर तो कहीं एंट्री मिला नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ नहीं, यहीं से ये रिवर्स कर गया। अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड करते हो देन फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है, और हैमर कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पे एंट्री बना के स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के 1:2 का टारगेट आराम से यहाँ पे बुक कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ब्रेकआउट का फिर आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, इधर स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट उसी कैंडल या फिर दो कैंडल के जस्ट लो के नीचे, है ना। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल के लो पे हम लोग एसएल रख देते हैं, टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:2 का, इधर आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी इजिली अचीव हो गया है, ओके। नेक्स्ट रखते हैं, हाँ यहाँ पे ब्रेक डाउन मिला है और यहाँ पे हमारा एसएल गया है ना, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, इधर एंट्री बनाते स्टॉप लॉस रखते जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा हमारा एसएल जाएगा, है ना। और एक एसएल अगर जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसके आसपास तुरंत एंट्री ना बनाएं, क्योंकि वहाँ पे आप कंसोलिडेट करेगा। अगर वो फॉल्स हो चुका है तो वहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा थोड़ा देर, है ना, तो बोथ साइड एसएल हंटिंग हो जाएगा ऐसे में। इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ पे भी एसएल गया है उसके कुछ देर तक 5-10 मिनट तक वहाँ पे एंट्री ना बनाए, है ना। फिर आगे मौका मिलेगा, स्कैल्प कर रहे हैं तो आगे मौका मिलते रहेगा, तो ऐसा हड़बड़ाने का इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो एंट्री हम लोग को मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, इस पिवट को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, है ना। और जस्ट इसके क्लोजिंग पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करेंगे, एसएल रहेगा इसी कैंडल के लो पे, टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:2 का, जो कि यहाँ पे भी अचीव हो गया है, कितना स्मूथली अचीव हुआ देख सकते हैं, है ना। चलिए ये तो हो गया 27 का, हम लोग इसके पहले का भी कुछ मार्केट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं 26 जून को, है ना। और यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल हमें कोशिश करना है, फर्स्ट कैंडल हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के बाद थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल रहता है, ठीक है, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और वैसे भी यहाँ पे एंट्री का सिनेरियो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग जस्ट यहाँ पे है ना, और यहाँ पे वीक भी काफ़ी बड़ा है, एंट्री यहाँ लेंगे एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी एंट्री हम लोग को उतना सही मिल नहीं रहा है, तो ऐसे कैंडल्स को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। अब हमें फ्रेश एंट्री कहाँ पे मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो एंट्री हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, अपसाइड ब्रेकआउट मिल रहा है तो लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करेंगे, जस्ट इसके क्लोजिंग पे एंट्री बनाएंगे। और एसएल, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, ये जो इस कैंडल के लो पे है ना, वो स्कैल्प के हिसाब से एसएल काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो एसएल को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो पिवट है जस्ट इसके नीचे हम लोग अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं, जस्ट इसके नीचे। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसमें हम लोग को 0.05 से कभी भी ज़्यादा का एसएल देना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर इसके लो PSL रखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, 0.10 के आसपास का हो जा रहा है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे SL जस्ट इसके नीचे, क्योंकि अगर गलत हो रहे हैं हम लोग तो बहुत ही छोटा SL देके तुरंत ही मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट पिविट के नीचे हम लोग SL रखेंगे, टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:2 का, जो कि यहाँ पे भी अचीव हो जा रहा है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ यहाँ पे ये हम लोग को यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है, पिविट पॉइंट का। जस्ट इसके क्लोजिंग पे हम लोग जस्ट इसके क्लोजिंग पे एंट्री बनाएंगे और जस्ट इसी कैंडल या फिर उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे SL रखेंगे। इधर टारगेट रहेगा वो मिनिमम 1:2 का रहेगा, जो कि यहाँ पे भी ईजिली अचीव हो गया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इधर यहाँ से ये रिवर्सल ट्रेड था, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है जो कि फेल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक SL जाएगा। ओके तो एक SL यहाँ पे हमारा गया है, कोई नहीं, फिर से ट्रेड अगर मिलता है तो फिर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया है, तो एंट्री वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर पिवट लो के भी नीचे हम यहाँ पे रखते हैं ना SL, तो वो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर इसके क्लोजिंग पे एंट्री बनाए और पिवट लो के भी नीचे SL रखे तो वो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कैंडल को अवॉइड करेंगे, ऐसे कैंडल्स को, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ऐसे में हमारा SL बड़ा हो जाता है, तो वैसे कैंडल्स को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बैक टेस्ट कीजिए। और हाँ, ये जो पिवट है उसका मैं सेटिंग्स बता देता हूँ कि वो कैसे रखना है। तो यहाँ पे हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे अभी, ठीक है, वो पिवट पॉइंट है, आप लोग को पता होगा, बट उसका सेटिंग क्या और कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स में हमें सर्च करना है पिवट, ठीक है। पिवट सर्च करते यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके आ जाएगा, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ये चार्ट पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लग गया चार्ट पे। अब इसका सेटिंग हम लोग चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे, इसके सबसे पहले तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे और पहले से ट्रेडिशनल में रहेगा, इसको चेंज करके फिबोनाची करना है और ऑटो से चेंज करके डेली में करना है, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो लेवल्स हाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, और यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, देख सकते हैं सारा वही है। तो ये रहेगा पिवट पॉइंट का सेटिंग्स, और बैक टेस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तीन टारगेट और एक SL गया था इस जगह पे, है ना, बाकी तीन ट्रेड हमारा सही हुआ था, एक रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो 1:2 के हिसाब से स्कैल्प स्ट्रेटजी में ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, और खुद से बैक टेस्ट करना ट्रेड लेने से पहले। और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और आगे ऐसे ही कमाल की स्ट्रेटजीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।